नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जारी है। इस वक्त हम जौनपुर के शाहगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के कैंडिडेट इंद्रदेव यादव जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। अगर बात की जाए शाहगंज की, तो हमने पब्लिक ओपिनियन किया अलग अलग जगहों पर, तो अलग अलग जगहों पर चाहे मुस्लिम वोटर्स हो, चाहे यादव वोटर्स हो, चाहे ब्राह्मण वोटर्स हो, चाहे क्षत्रिय वोटर्स हो, सब में इनकी लोकप्रियता अन्य नेताओं की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या है, हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते जनता में आपकी लोकप्रियता लगातार इतनी ज्यादा देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण दो है। मैंने 96 से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 3 बार उत्तर प्रदेश के 2 नंबर के सबसे बड़े ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा। मैंने अपने कार्यकाल में इतना काम कराया है कि जिसको गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। एक कारण ये रहा कि मैंने कार्य करवाया है। दूसरा कारण ये रहा कि मैंने हर व्यक्ति सम्मान दिया है, चाहे मेरे यहाँ राजा है चाहे फकीर है, दोनों को मैंने बराबर सम्मान दिया है। जनता इसलिए मेरी जुड़ी जाती है और उसमें प्यार करती है। यादवों का सर वोट बैंक कहीं कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहता है काफी बड़े पैमाने पर, लेकिन इस बार जो है पब्लिक ओपिनियन के आधार पर जो हमने लोगों से राय जानी उसके चलते तमाम लोग जो है आपको भरोसे पर ले रहे हैं। चाहे यादव समाज जो है कहीं कहीं आपके साथ बड़ी तादाद में आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसे किस तरह से देखते हैं? यादवों को लुभाने का काम आपने कैसे किया? यहाँ के क्षेत्रीय विधायक लगातार 20 साल से विधायक है, ये यादवों के दिलों पर बहुत ठेस पहुँचा है। न तो उन्होंने कोई काम किया और न ही उनको सम्मान दिया। जो भी उनके घर गया अपमानित हुआ। उनके दिमाग में है कि यादव समाज साइकिल के नाम पर और पार्टी के नाम वोट देगा, इसलिए लगातार 20 सालों से लोगों को अपमानित करते रहे। लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा था, आज विकल्प के रूप में मैं उनके सामने आ गया हूँ। पूरा यादव समाज भारी संख्या में हमको अपने गले से लगाया है, मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक से परसेंटेज में कहीं ज़्यादा यादव मेरे साथ हैं। सर एक चीज़ और, कहीं कहीं जो दलित वोटर्स हैं उनमें जो है आपको लेकर काफी लोकप्रियता है। दलित वोटर्स आपको लगातार भरोसे पर ले रहे हैं, उसे आप इस तरह से देख रहे हैं कि दलितों का भरोसा लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह हरिजन बिरादरी का हो या अदर जो है बिरादरी का हो। हमने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे दलित हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे सर समाज के अगले जात के लोग हो, मैंने सबको एक समान सम्मान दिया। वही कारण है कि आज मुझ पर दलित बहुत भरोसा कर रहा है। दलित को मैंने हमेशा अपने बगल बैठाया, जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, अगर 12 बजे रात को दलित ने फोन किया तो मैं उनके बीच जाकर उपस्थित रहा। इसलिए दलितों का भरोसा मेरे ऊपर टिका हुआ है और मैं निश्चित रूप से विधायक बनने के बाद उनकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। सर, जिस तरह की यहाँ पर सागन में जमीनी स्तर पर चीजें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उससे ये मान लिया जाए कि लगभग लोगों का भरोसा आपके साथ बना हुआ है। इस आधार पर अगर मान लीजिए जनता ने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना, तो लोगों की जो मूलभूत समस्याएं उसे दूर करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? कहीं ना कहीं सड़कें यहाँ की काफी जर्जर अवस्था में हैं, इसके अलावा भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, कहीं कहीं लोग उससे काफी प्रभावित हैं, तो ये विधायक बनने के बाद आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह से काम करेंगे? विधायक बनने के बाद जितनी भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे सड़क बिजली पानी जो भी समस्याएं हैं, मैं दिन रात लग के और उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करूंगा। मुझे विश्वास है कि सच्चे मन से अगर मैं प्रयास करूंगा तो इस धरती पर कोई काम संभव नहीं है। निश्चित रूप से विकास होगा इस क्षेत्र में। असाधन की सबसे बड़ी समस्या जाम से निजात पाना है साथियों। आज स्थिति यह है कि 3-3 घंटे लोग मार्केट में फंस जाते हैं। यहाँ का बाईपास निर्माण मेरी विजेता होगी, बाईपास का निर्माण होगा, जाम से लोग निजात पाएंगे। यदि मुझे मौका मिला और सरकार बनी, मैं माननीय बहन जी से कहकर शाहगंज जैसे बड़े कस्बे को जिला बनाने की मांग करूंगा और निश्चित रूप से जिला बनाऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ बीएसपी के कैंडिडेट इंद्रदेव यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों का भरोसा इसलिए उन पर बना हुआ है क्योंकि ये लोगों के लगातार सुख दुख में बराबर के सहभागी रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ में इनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ की जनता इनको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो लोगों के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा सके, इसके लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।